हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चिकन मोमोज, स्टीम मोमोज बनाएंगे। और इस रेसिपी में आपको स्टीमर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आज आपको बिना स्टीमर के कैसे बनते हैं घर पे मोमोज वो बताऊंगी। टेस्ट में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट मिलेगा आपको मोमोज में। सबसे पहले बनाएंगे मोमोज की चटनी, तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। यहाँ पर मैंने लिए हैं दो टमाटर, मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। इसके ऊपर से ऐसे कैप निकाल देंगे, इसको डिस्कार्ड कर देंगे इस तरीके से। दोनों टमाटर का ऊपर से कैप निकाल देंगे। कैप निकालने के बाद इसको क्रिस क्रॉस इस तरीके से मार्क लगाएं। मार्क इसलिए लगाएंगे ताकि जब हम ब्लांच करने के बाद छिलके को पील करें तो वो इजीली निकल जाए। ये दोनों में लगा दिए मैंने मार्क। अब मैंने यहाँ पे पानी बॉईल करने को रखा है। पानी जब जैसे ही बॉईल आने वाला हो उसी टाइम पे हम टमाटर डाल देंगे। ये 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको बॉईल करेंगे और साथ ही निकाल देंगे। ज़्यादा देर बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ स्किन उसकी लूज़ करनी है, ना कि टमाटर को ज़्यादा पकाना है या गलाना है। ये हो गया, इसको निकाल देंगे दोनों को। निकालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे और फिर इसके बाद इसकी स्किन पील करेंगे। मैंने उसी टाइम पे उसको पील कर लिया था। आप थोड़ा सा वेट करें, उसको थोड़ा सा ठंडा होने दें और फिर उसका छिलका अलग करें। ये देखिए कितना इजीली ये छिलका निकल रहा है। ब्लांच करने का यही फ़ायदा कि आपका जो पील है बहुत जल्दी इजीली निकल जाता है बिना कोई एफर्ट के। ये देखिए स्किन पील हो चुकी है। अब इसको कर लेंगे कट, रफली चॉप करेंगे इसको, मोटा मोटा काटेंगे। ज़्यादा फाइन कट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने बाद में इसको पेस्ट करना है। ये टमाटर कट गए, अब इसको डाल देंगे ग्राइंडिंग जार में। ये डाल दिए मैंने सारे टमाटर। टमाटर डालने के बाद यहाँ पे मैंने रेड चिली ली है ड्राई, 3 चिलीज़ ली हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप चिली ज़्यादा भी डाल सकते हैं। साथ में रेड चिली पाउडर डाला मैंने 1/3 टीस्पून। सॉल्ट डाला एज़ पर टेस्ट। अब इनको ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से और एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए टमाटर की पेस्ट बनकर बिल्कुल तैयार है। अब एक पैन में लेंगे ऑयल, 1 चम्मच के करीब मैंने ऑयल लिया है। इसको थोड़ा सा करेंगे हीट। ऑयल को हीट करने के बाद इसमें डाल दूंगी मैं गार्लिक का पेस्ट, 1/4 टीस्पून गार्लिक पेस्ट लेके इसको पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये पक गया और डाल देंगे टमाटर की प्यूरी जो हमने तैयार की थी। अब इसको 2 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए, सेपरेट ना हो जाए टमाटर से, तब तक इसको पकाना है। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ये मैंने 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाला है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपकी चटनी जो है वो थोड़ी थिक है, थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। थोड़ा सा पका लेंगे इसको और ये देखिए हमारी चटनी बढ़िया सी बनकर तैयार है। अब हम आगे स्टफिंग की तैयारी करेंगे। उसके लिए मैंने चिकन लिया है 300 ग्राम, इसको अच्छे से वॉश किया है और थोड़ा सा बॉयल करके लिया है। इसको भी मैं ग्राइंडिंग जार में डाल दूँगी एक एक पीस करके। आप देख सकते हैं थोड़ा सा चिकन पहले से पका हुआ है क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा बॉईल किया था, ज़्यादा बॉईल नहीं किया, थोड़ा सा ही बॉईल किया है। हाफ़ कुकिंग बॉइलिंग के टाइम पे होगी और हाफ जब हम इसको सॉटे करेंगे इसके मिक्सचर को तब करेंगे। अब इसको मिक्सर में कर लेंगे ग्राइंड। इतना ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना कि उसका पेस्ट बन जाए, थोड़ा सा ही ग्राइंड करेंगे ताकि जब आप मोमोज खाएँ तो आपको उसमें चिकन का बाइट फील हो। ये हो गया ग्राइंड। अब इसको एक ट्रांसफ़र कर लेंगे बाउल में। साथ में मैंने डाला है एक मीडियम कटा हुआ प्याज, छोटे साइज़ में कटा हुआ। साथ में डाल देंगे नमक, नमक थोड़ा सा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं। ब्लैक पेपर डाल दी है 1/4 टीस्पून।
इसको कर लेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद एक पैन में लेंगे ऑयल, ऑयल को हीट करेंगे। ये एक चम्मच ऑयल लिया है मैंने यहाँ पे, इसको थोड़ा सा हीट कर लेंगे और मिक्सर डाल देंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि चिकन को जब मैंने बॉईल किया था तो थोड़ा सा पकाया था, तो हमें अब ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक बार सॉटे करेंगे 2 से 4 मिनट के लिए। थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, 1/4 टीस्पून गार्लिक लिया है मैंने यहाँ पे, और इसको भी 1 मिनट के लिए पकाएंगे। और ये हमारा मिक्सर बनकर तैयार है। बहुत ही सिंपल है बट बहुत अच्छा लगता है। चिकन को पकाने के बाद अब करेंगे तैयारी डो बनाने की। डो बनाने के लिए यहाँ पे लिया है मैंने मैदा 1.5 कप, साथ में डाल दूंगी थोड़ा सा नमक इसमें। अब पानी डालकर इसका डो तैयार करेंगे। पानी एक साथ सारा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और एक स्मूथ सॉफ्ट डो बना लेंगे। ये देखिए अच्छे से सॉफ्ट डो बनकर बिल्कुल तैयार है। अब एक छोटा सा पोर्शन लेंगे डो का और इसको हाथों से रोल कर लेंगे इस तरीके से। अब बेलन लेके इसको पतला बिल्कुल एकदम बेलना है, जितना पतला आप इसको कर सकते हैं उतना करना। अब यहाँ पे डाल देंगे स्टफिंग चिकन की। स्टफिंग डालने के बाद इसको कर देंगे बंद और मोमोज की शेप दे देंगे। ये मेरा मोमो बनकर बिल्कुल तैयार है। ऐसे ही बाकी के मोमोज भी तैयार कर लेंगे। ये ले लिया मैंने एक छोटा सा पोर्शन, इसको भी अच्छे से बेल लेंगे बिल्कुल पतला। पतला बेलने के बाद इसमें डाल देंगे स्टफिंग। स्टफिंग ओवरलोड मत करना, जितनी आपको लगता है कि आप इसमें डाल सकते हैं उतना ही डालना। कर देंगे इसको बंद, मोमोज की शेप देंगे, जैसे भी आपको अच्छी लगती है वैसी शेप देकर इसको बंद करेंगे। ये हो गया तैयार मोमो। जैसे कि आप जानते हैं आज हम बिना स्टीमर के मोमोज बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रेनर का यूज़ किया है। इसमें हम मोमोज बनाएंगे तो इसको पहले ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ और मोमोज रख देंगे एक एक करके इस तरीके से। ये रख दिए मैंने सारे मोमोज। अब मोमोज को भी एक बार ऑयल से ग्रीस करेंगे। इसलिए करेंगे ग्रीस ताकि जब हम स्टीम करें तो वो ड्राई ना हो। अगर आप ग्रीस नहीं करेंगे तो आप फील करेंगे बाद में कि आपके मोमोज ड्राई हो चुके हैं। मोमोज तैयार करने के बाद यहाँ पे मैंने पैन में पानी लिया है, इसको करेंगे बॉईल। ये देखिए बॉईल आ चुका है। अब इसमें स्ट्रेनर प्लेस कर देंगे ऊपर इस तरीके से। मैंने कर दिया स्ट्रेनर प्लेस। अब ऊपर से ढक देंगे किसी अच्छे ढक्कन से जो बिल्कुल टाइट हो। यहाँ पे एक होल था तो उसको भी मैंने आटे से कवर कर दिया ताकि हल्की सी स्टीम बाहर ना निकल पाए। 15 से 20 मिनट के लिए इसको स्टीम करेंगे। ये देखिए मोमोज हो गए तैयार। लग रहे हैं ना एकदम मार्केट जैसे मोमोज। तो सर्व करेंगे इसको एक प्लेट में, निकाल लेंगे सारे मोमोज एक एक करके। ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी। ये देखिए कितने यम लग रहे हैं ये मोमोज। जितने देखने में लग रहे हैं टेस्ट में भी उतने ही यम हैं। जैसे आपको मार्केट में मिलते हैं वही टेस्ट मिलेगा आपको इस रेसिपी से। तो ज़रूर ट्राई करिए ये रेसिपी और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें मेरे साथ। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। अगली वीडियो में जल्द ही मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।